हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब कि दो नंबर है, ठीक है, जिसका सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 27, और उसको उसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होना चाहिए, 182। तो मान लेते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, मान लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है, एंड सेकेंड नंबर इज, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोगों ने एक्स माना है। ठीक है, जब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों का सम कितना है, 27, एक को हम लोगों ने एक्स माना है, तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस एक्स, 27 में हम लोग अगर एक्स को माइनस कर देंगे तो सेकेंड नंबर हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है ना, उसके बाद कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, 182 है प्रोडक्ट, तो कर देते द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, द प्रोडक्ट टू नंबर इज इतना है। ठीक है, हम लोग का दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स और इक्वल टू में, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है, 182, तो 182। ठीक है सर, अब चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम सभी जानते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x और ये प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 182। अब चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर को पहले करें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 27x और क्या होगा, इक्वल टू के इधर में, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, देखिए माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 27x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 182 और इक्वल टू 0। माइनस को इक्वल टू के इधर भेज देंगे, इधर क्या है सीधे चले जाएगा 0 में, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, चलिए देखते कैसे टूटेगा ना। चलिए स्टूडेंट देखेंगे कैसे टूटेगा ये, तो देखिए इसका हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यहाँ पे जो रहता है उससे, तो ये कितना 182, 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। इसका हम लोग फैक्टर निकाल देंगे, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते, फैक्टर सबको मैंने बताया कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। 2 से करते हैं, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, अब किसे जाएगा, 7 से कर देते, 7 1 जा 7 और 7 यहाँ पे क्या चलेगा, 2 चले गया, 7 3 जा 21। तो देखिए आ गया हम लोग का, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 14 इंटू 3 कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा 182 और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिल जाए, 14x प्लस 13x कितना हो जाएगा, 27x। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है फिर, ठीक है, अब फिर इसमें हम लोग को इसको ऐसा फैक्टर करना किया जाता है कि जोड़ने या घटाने पे हम लोग को ये बीच का मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म मिल जाए। चलिए हो गया, चलिए देखते इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से देखा जाता है प्लस है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए 27 है तो यहाँ पे क्या है, 14x प्लस 13x प्लस 182। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, सॉरी स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस और ये फिर से माइनस प्लस माइनस और ये 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे, दोनों में कॉमन नहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 14
यहाँ पे भी माइनस 13 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से एक्स निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कितना आएगा 14 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 14 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए वैसे भी देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 13 फोर जा कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 और 5 हैंड में, और 13 हो जाए 13 और 5 18, ठीक है मिल गया। चलिए देखिए, आप देखिए ये दोनों, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों क्या हमेशा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको लिख देंगे, x माइनस 13 और एक बार x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू जीरो और x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू जीरो और x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, एक्स को वहाँ ले जाएंगे, सॉरी x को यहाँ देंगे और 13 को इक्वल टू किधर जाएंगे तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x यहाँ पे x इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ माइनस 14 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग का देखिए, दो आ गया, दो नंबर आ गए, ठीक है। x का वैल्यू 2 आ गया 13 और एक है कितना 14। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, इफ द फर्स्ट नंबर इज 13, ये आपका और ऑफ में था 13, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर, ठीक है, अगर हम लोग इसको कर लेते हैं कि हम लोग का जो फर्स्ट नंबर वो कितना है 13 है, ठीक है, तो सेकंड नंबर हम लोग का क्या होगा, सेकंड देन सेकंड नंबर इज क्या होगा 27 है माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स की जगह कितना 13, कितना आएगा 7 में 3 4 और 2 में 1 1, ठीक है। फर्स्ट नंबर यदि हम लोग का फर्स्ट नंबर कितना है 13, तो सेकंड नंबर कितना होगा 14, ठीक है। अगर हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या होगा 14, ठीक है, एंड ये दो वैल्यू है ना, एक 13 और एक 14 है, एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज 14, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 14, ठीक है, एक बार 14 है, ठीक है, देन सेकंड नंबर हम लोग क्या हो जाएगा 27 माइनस x, और x का वैल्यू इस बार हम लोग कितना रखे 14, ठीक है। चलिए घटा देंगे 7 में 4 3 और 2 में 1 1, ठीक है। अगर हम लोग का फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 होगा, और यदि हम लोग का फर्स्ट नंबर कितना होगा 14, तो सेकंड नंबर क्या होगा 13, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।